हे गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व हैंगिंग प्रॉब्लम। हैंगिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, लैगिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों, अगर आप अपने फ़ोन में पबजी वगैरह या फिर बहुत ज़्यादा लोड लेते हैं इस फ़ोन में और आपका फ़ोन लैग करने लगा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ध्यान देना है, यहाँ पर होम स्क्रीन पर जाना है और यहाँ से आपको देखना है किस एप्लीकेशन को आप यूज नहीं करते और आपने बहुत सारे एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे होंगे और उन एप्लीकेशन में से बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जिन्हें हम यूज नहीं करते हैं, बहुत कभी कभी यूज करते हैं 2 महीने 4 महीने के बाद। तो ऐसे एप्लीकेशन को आपको डिलीट कर देना है। और बहुत सारे ऐसे भी एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें हम यूज ही नहीं करते हैं, कोई बच्चे वगैरह डाउनलोड कर देते हैं हमारे घर में, तो उन एप्लीकेशन को आपको यहाँ से हटा देना है, डिलीट कर देना है। जैसे ये एप्लीकेशन है जोश है, तो इसे यहाँ पर डिलीट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं। बाकी आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन हो वो सारे डिलीट कर देना है, मैंने ऑलरेडी हटा रखे हैं। अब आपको यहाँ पर ये एप्लीकेशन हटाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है सेटिंग पे, और सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है नीचे। सो गाइस, यहाँ पर अबाउट फ़ोन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको वर्जन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको बिल्ड नंबर पर आप 4-5 बार टैप कर देना है, 3 बार, और फिर यहाँ से आपका डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाता है। तो डेवलपर ऑप्शन को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पर टैप करना होता है, यहाँ से बैक जाना है, फिर यहाँ से आपको एडिशनल सेटिंग पर जाना है और यहाँ से आपका डेवलपर ऑप्शन मिल जाता है। तो इस डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। बाकी आपका यहाँ पर ऑलवेज कीप मोबाइल डाटा एक्टिव, तो ये आपका एक्टिव रहता है तो इसे आपको डीएक्टिव कर देना है, ठीक है। और यहाँ से आपको और नीचे जाना है, फिर यहाँ से आपको नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको मैक्सिमम कनेक्ट ब्लूटूथ ऑडियो, यहाँ पर आपका 5 हो रखा है तो यहाँ से आपको ओनली 2 करना है। नेक्स्ट, यहाँ से आपको और नीचे जाना है, फिर यहाँ से आपको ये है विंडो एनिमेशन स्किल, यहाँ पर आपका 1 हो रखा है तो यहाँ से आपको इसे 5 कर देना है। और यहाँ से आपका एनिमेशन ड्यूरेशन, यहाँ इसे आपको 5 कर देना है, इसको भी आपको 5 कर देना है। ये आपको जो है 1 जो हो रखे ये आपको 5 कर देने, जिससे कि आपकी स्पीड 5 गुनी बढ़ जाती है। और यहाँ पर आपका जो है मैक्स रिक्वेस्ट पर सेशन, तो इस पर आप क्लिक करना है और इसे 1 कर देना है, ओके कर देना है और इसकी ये डिसेबल रहने देना है। बाकी ये सेटिंग करने के बाद आपको यहाँ से बैक जाना है। और सो गाइज, अगर आपका फ़ोन का जो स्टोरेज है वो फुल हो रखा है तो उस स्टोरेज को खाली करना है आपको अपने किसी SD कार्ड में या फिर किसी दूसरे पेन ड्राइव में या लैपटॉप में आपको ये डाटा अपना कर लेना है या फिर डिलीट कर देना है। क्योंकि अगर आपका स्टोरेज जो है फुल रहता है, इंटरनल स्टोरेज फ़ोन का, तब भी आपका फ़ोन लैग करता है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन होना है फ़ोन मास्टर, तो इस फ़ोन मास्टर को ओपन करना है और यहाँ से आपको इसे ऑप्टिमाइज करना है और यहाँ से आपका जो फ़ोन की स्पीड है थोड़ी सी बढ़ जाती है, स्लो होती है, उसे थोड़ा तेज कर देता है ये। और यहाँ से आपको डन कर देना है और यहाँ पर चेक अगेन कर देना है, तो ये जो जितनी भी फाइल होती है डिलीट फाइल चीज फाइल वो यहाँ से आपकी डिलीट हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर देना है, यहाँ पर जो है ये जो होता है थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। अब यहाँ से डन कर देना, बैक चले जाना है। अब बैक जाने के बाद दोस्तों, अगर आपका फ़ोन अभी भी स्लो है तो आपको एक बार फ़ोन को यहाँ पर रीस्टार्ट कर लेना है। इसे आप पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे और यहाँ से आपको रीस्टार्ट पर क्लिक कर देना है। रीस्टार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोबारा से रीस्टार्ट कर देंगे तो ये फ़ोन आपका रीस्टार्ट हो जाएगा। आपका फ़ोन फिर भी फास्ट नहीं हो रहा तो आपको क्या करना होगा इसके लिए, अब आपको यहाँ पर सेटिंग पे जाना है और सेटिंग पे जाने के बाद थोड़ा सा स्क्रोल कर लेना है नीचे की ओर और यहाँ से आपको जाना है एडिशनल सेटिंग पर और यहाँ से आपको और नीचे जाना है, फिर बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करना है और यहाँ पर इरेज आल फैक्ट्री डाटा पर रीसेट करना है और इरेज आल डाटा पर क्लिक करना है और इरेज आल डाटा पर क्लिक कर देना है। फिर क्या होता है, आपका जितना भी डाटा होता है इसमें सारा कुछ डिलीट हो जाता है, आपका फ़ोन बिल्कुल नया हो जाता है। और इससे पहले आप अपना डाटा कॉपी कर लें, फ़ोन नंबर वगैरह भी आप अपने कॉपी कर लें, वरना ये सारे डिलीट हो जाते हैं। तो इस ट्रिक से आपका फ़ोन की स्पीड 100% श्योरली
पाँच गुनी बढ़ जाएगी अब से, जो अब आप चला रहे होंगे उससे 5 गुनी स्पीड बढ़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।